नमस्ते। आज जिस विषय से मैं निपटने वाली हूँ वो है अंग्रेजी में विराम चिन्ह। और आज मैं इस विषय में मूल्यों, सांस्कृतिक मूल्यों को एकीकृत करने जा रही हूँ। अब विराम चिन्ह का मतलब है जगह बनाना, पारंपरिक विज्ञान और कुछ टाइपोग्राफिकल उपकरण एक वाक्य को समझने और सही पढ़ने के लिए सहायक के रूप में काम आते हैं। विराम चिन्ह का उपयोग वाक्य में स्पष्टता और वाक्य में जोर देने के लिए किया जाता है ताकि वाक्य अधिक शक्तिशाली और सार्थक हो जाए। क्या आप जानते हैं कोई भी वाक्य जो हम लिखते या बोलते हैं, एक वाक्य तभी अर्थपूर्ण होता है जब उसको सही तरीके से विराम चिन्ह के साथ सेट किया जाता है, और यदि उनका उपयोग ठीक से नहीं किया गया तो उनका अर्थ बदल जाएगा और हम परेशानी में पड़ जाएंगे। किसी भी वाक्य में विराम चिन्हों का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए हम ये वीडियो देखते हैं और हम बाद में उस पर कुछ चर्चा करेंगे। हाय, मैड इंग्लिश टीवी पर आपका स्वागत है। इन दो वाक्यों को देखें, इनमें से कौन सा सही है? वैसे ये दोनों सही है, क्या कहना चाहते हैं इस पर निर्भर है। ठीक है, क्या आप अपनी दादी के साथ खाना चाहते हैं या अपनी दादी को ही खाना चाहते हैं? ठीक है, इन दो वाक्यों को देखें, इसका मतलब है कि आप अपनी दादी को खाना चाहते हैं, इसका मतलब है आप अपनी दादी के साथ खाना चाहते हैं। ठीक है, इस वाले में आप अपनी दादी से बात कर रहे हैं, चलो खा लेते हैं दादी। ठीक है, और इसमें तुम अपने भाई से बात कर रहे हो, हे चलो दादी को खा लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास यहां अल्पविराम है। क्यों, ये अल्पविराम क्यों है? हमारे पास इसका कारण है क्योंकि जब हम इन वाक्यों को बोलते हैं मतलब अलग निकलता है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, चलो दादी खाते हैं, चलो दादी खाते हैं, चलो दादी खाते हैं, चलो दादी खाते हैं, समझ गए आप? यहां एक छोटा सा विराम है खाते हैं के बाद। ठीक है, इसलिए जब हम बात कर रहे हैं तो हम कभी भी भ्रमित नहीं होंगे क्योंकि आप ठहराव सुन रहे हैं। ठीक है, जब हम बोल रहे हैं तो हम एक दूसरे को सुन रहे हैं, लेकिन जब हम लिख रहे होते हैं तो हम कुछ भी नहीं सुन सकते, इसलिए हमें ठहराव का प्रतिनिधित्व करने के लिए कुछ प्रतीकों की आवश्यकता होती है, इसलिए हमारे पास है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि विराम चिन्ह अर्थ में स्पष्टता जोड़ता है जो भी आपने लिखा है। यदि वाक्य स्पष्ट नहीं है तब हम कहते हैं ये अस्पष्ट है, इसका ये अर्थ हो सकता है या इसका ये भी अर्थ हो सकता है, लेकिन अगर आपके वाक्य में सही ढंग से विराम चिन्ह है तो ये वास्तव में स्पष्ट हो जाता है, तब वाक्य में बहुत अधिक स्पष्टता आती है। पर अगर इसमें स्पष्टता नहीं है तो ये अस्पष्ट है, और अस्पष्टता वास्तव में लेखन और बोलने में बहुत खराब होती है। ठीक है, तो आइए यहाँ एक और उदाहरण देखते हैं। मैरी ने कहा मैं मोटी हूँ, मैरी ने कहा मैं मोटी हूँ। ठीक है, तो इन दोनों का अर्थ बहुत ही अलग है। यहां मैरी कह रही है कि मैं मोटी हूं, और यहां मैरी कह रही है कि वो खुद मोटी है। ठीक है, क्या आप अंतर समझ रहे हैं? इसीलिए विराम चिन्ह बहुत महत्वपूर्ण है, वो एक वाक्य का अर्थ बदल देते हैं। इसलिए अंग्रेजी लेखन की श्रृंखला में मैं आपको विराम चिन्ह के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। मैं सभी विराम चिन्हों को पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ, और वो सीक्रेट है देसी अंग्रेजी बोलने वाले का विराम चिन्ह ज्ञान खराब होता है। ठीक है, यदि आप विराम चिन्ह में बहुत अच्छे नहीं है, चिंता ना करें, इस श्रृंखला में मैं आपको वो सब कुछ सिखाऊंगा जो आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए एक नजर उन सभी विराम चिन्हों पर डालते हैं जिनका उपयोग हम अंग्रेजी में करते हैं। ठीक है, इसे प्रश्न चिन्ह कहते हैं, इसे विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं, और इसे कहते हैं पीरियड, और यहां है ये उद्धरण चिन्ह, इसे अपोस्ट्रॉफी कहते हैं, और ये है अंडरस्कोर, और ये है कोष्ठक, और ये है कोष्ठक, और ये है अल्पविराम, और एक बृहदान्त्र अर्धविराम, और ये है प्रतीक पर चिन्ह। ठीक है, इसे संख्या चिन्ह कहा जाता है, इसे एम्फसैंड कहते हैं,
अब मुझे आपसे ईमानदार होना पड़ेगा। मुझे नहीं पता था कि इसे क्या कहते हैं, इसलिए मैंने इसे इस पाठ से पहले देख लिया। मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग इस प्रतीक को एंड प्रतीक कहते हैं, ठीक है? तो इसे कहते हैं तारांकन चिन्ह, और ये आगे का स्लैश, बैक स्लैश, और इसे डैश या हाइफन कहते हैं, ठीक है? यहां हमारे पास है दीर्घवृत्त और एक टिल्डे और एक गंभीर उच्चारण है, और मुझे नहीं पता कि ये एक अंतिम दो हमारे अंग्रेजी कीबोर्ड पर क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने उन्हें पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन देखो वहां ऊपरी बाएं कोने में देखो, वो एकदम कोने वाली की देखे, उस पर टिल्डे और ग्रेव एक्सेंट है। मुझे नहीं पता कि वो वहां क्यों है, ठीक है? एक और चिन्ह जिसका मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया, और वो यहां है इस छह के ऊपर। पता नहीं कि हम इसका उपयोग क्यों करते हैं, शायद गणित में करते हैं, ठीक है? एक और चिन्ह है यहां बैक स्लैश के ऊपर, मुझे पता नहीं इसे क्या कहते हैं, और इन कोष्टकों को कहते हैं ब्रेसेस या कर्ली ब्रेसेस कहते हैं, ठीक है? जाने दीजिए, मैं थोड़ा बैक रहा हूं। यहां पर सभी अंग्रेजी विराम चिन्ह हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आपके लिए सबसे भ्रामक विराम चिन्ह कौन सा है। उम्मीद है कि श्रृंखला के अंत में उनमें से कोई भी भ्रमित नहीं रहेगा, लेकिन अब वो कौन है वो बताएं, मुझे नीचे कमेंट में बताएं, और मैं आपसे मिलूंगा अगले एपिसोड में मैड इंग्लिश टीवी के। अपना ख्याल रखें। हेलो बच्चों, आपका स्वागत है। वीडियो में आपने विराम चिन्ह के बारे में कई रोचक तथ्य देखे होंगे। आपने ये भी गौर किया होगा कि अकेले विराम चिन्ह का कोई अर्थ नहीं होता। इन विराम चिन्हों को आपने देखा होगा कि वाक्य में बहुत ही शांत तरीके से यहाँ और वहाँ बिठाया जाता है, लेकिन जिस तरह से वे एक वाक्य के अर्थ को बदल देते हैं वो अविश्वसनीय है कि नहीं? वे चुपचाप काम करते हैं, वे शांति से काम करते हैं और वहाँ अपनी छाप छोड़ जाते हैं। वे कोई शोर नहीं करते, जैसे क्रिया या संज्ञा या विशेषण या क्रिया विशेषण वाक्य में करते हैं। विराम चिन्ह की उपस्थिति शायद ही लोगों को नजर आती हो काफी हद तक, लेकिन जब एक महत्वपूर्ण स्थिति आती है जहां एक वाक्य के अर्थ की व्याख्या की जाती है, तब ये विराम चिन्ह हमें बचा लेते हैं। यही कारण है मेरे कहने का कि वे काफी शांत, विनम्र और सरल है, और वे वाक्य में शोर नहीं करते लेकिन अपनी उपस्थिति महसूस कराते हैं। यहाँ सांस्कृतिक मूल्य कैसे जुड़ा है? हाँ, यहाँ पर सांस्कृतिक मूल्य है, कैसे पता चलेगा, आप बताइए। हाँ, गतिविधियाँ जो विनम्रता का परिचय देती हैं, दृष्टिकोण में सादगी और शांतिपूर्वक कार्य, और शायद खामोशी। कई बार शोरगुल ना करना भी मूल्य के रूप में देखते हैं, एक सांस्कृतिक मूल्य। महान लोग हमेशा विनम्र होते हैं, हम कहते हैं कि उनकी अपनी संस्कृति है। वो संस्कृति क्या है? वो कभी भड़कीले नहीं होते, वे कोमलता से बात करते हैं, वे लोगों की सुनते हैं, और वो बहुत ज्यादा सादगी से रहते हैं और अपनी जड़ों का सम्मान करते हैं। उसी तरह विराम चिन्ह भी ऐसा ही करते हैं, वे बस यही करते हैं। बुनियादी गुणवत्ता जैसे सम्मान, दयालुता, दूसरों के लिए चिंता, विनम्रता, सरलता, इंटरडिपेंडेंस, सह अस्तित्वता, सहिष्णुता, ये सभी कुछ सांस्कृतिक मूल्य हैं। हमारे देश का भी पूरी दुनिया भर में सम्मान है उसके मूलभूत मूल्यों के कारण, जिसे अपने धर्म के माध्यम से दर्शाया गया है, जैसे सत्य, प्रेम, सहिष्णुता, और ये सार्वभौमिक मूल्य है जिन्हें भारत ने अपनाया है। ये है भारत की संस्कृति। कृपया कुछ मिनटों में निम्नलिखित MCQs का जवाब दें, और मैं आप लोगों से कुछ टास्क करने को कहूंगी। 3 टास्क दिए गए हैं, लेकिन फिर याद रखें कि आपको सिर्फ एक करना है, और किसी भी विषय से किसी एक को चुने और फिर उनका जवाब दें और शानदार पुरस्कार जीतें। तो आप इस विषय के माध्यम से व्यक्तिगत, समाज और देश के मूल्यों के बारे में बात करने वाले सांस्कृतिक मूल्यों को सुन रहे थे,
जल्द ही अगली बार एक और मूल्य के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्ते और धन्यवाद। मैं विजयम रवि।